मैना का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम था या कुछ और, जो उन्होंने किसी भी प्रकार से शिव को पार्वती देना स्वीकार नहीं किया। जानते हैं उनका भ्रम कैसे टूटा इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास आए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुने आप अत्यंत प्रसन्न हो गए। परमानंद से युक्त हो अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेमयुक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मैने, आप शिव जी के अत्युत्तम रूप को देखिए। उन्हीं कर्णों में शंकर जी ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौरवर्ण वाले द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं, भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भलीभांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धर कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सजधज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया। उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिय मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसी थी वैसी ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी आई।
भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मन मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पुरवासियों ने कहा, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिवाशिव की इस जोड़ी को ना मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहां उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिवजी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिवजी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था उसी प्रकार ये पार्वती भी आज शंकर को प्राप्त कर सुशोभित हो गई हैं। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिव का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदरपूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रहीं और हिमालय तथा मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुने, स्त्रियों के द्वारा कही गई इस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले। तदनंतर शिवजी प्रसन्नचित होकर अपने गणों देवताओं दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले पांच मुख वाले तीन नेत्र वाले मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित मालती की माला से युक्त उत्तम रत्नों से जटित मुकुट से प्रकाशित गले में सुंदर हार धारण किए हुए सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित अग्नि के समान दैदीप्यमान अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए चंदन अगरू कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाली संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न अत्यंत मनोहर पूर्ण यौवन वाले रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित स्त्रियों को सुंदर लगने वाले व्याग्रता से रहित करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। वे अपने भाग्य गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बारंबार प्रसन्न होने लगी। तब वे सती मैना प्रसन्नमुख होकर आरती करने लगी और आनंदपूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुकमल हर्ष के कारण खिल उठा। वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ।
हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदरपूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिचन्न किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी प्रकार हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत तीन नेत्रों वाली शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली मंद मंद हास्ययुक्त तथा प्रसन्न मुख वाली कटाक्षयुक्त मनोहर सुंदर केशपाश वाली सुंदर पत्र रचना से शोभित कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्न में कंकणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पक्ति से सुशोभित मनोहर बिंबफल के समान अधरोष्ट्र वाली रत्नों के यावक अर्थात महावार से युक्त हाथ में रत्न में दर्पण धारण की हुई क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्तवर्ण के पादतल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित हो शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। अभी आगे पाणी ग्रहण बाकी है, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।